हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं और आज के इस यूट्यूब चैनल स्वीट एजुकेशन 2.0 में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो चलते हैं वीडियो के स्टार्ट करते हैं। वीडियो के स्टार्ट करने से पहले मैं एक और बात आपसे बताना चाहते हैं कि जो भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं वो वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलते हैं वीडियो के स्टार्ट करते हैं। ये जो है ये इस चैप्टर यानी एक्सरसाइज 4.1 का जो है क्वेश्चन नंबर 1 है। इस चैप्टर को बनाने से पहले मैं आपसे एक और बात बताना चाहते हैं, यह चैप्टर कब बनेगा? जब आपको पूरी तरीके से फॉर्मूला याद होगी तभी जो होगा यह जो चैप्टर बन पाएगा। तो चलते हैं, आज आपको हम 5G स्पीड के जरिए आपको हम आज बताएंगे यानी शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से, ताकि आपको समझ भी में आ जाएगा और बेहतरीन ढंग से आप इसको बना सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया? क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि साइन इनवर्स इनटू रूट अंडर 3/2। यहां पर हमने जो है ये फंक्शन लिख दिया, यहां पर डोमेन लिख दिया, यहां पर रेंज लिख दिया है। तो चलते हैं देखते हैं। सबसे पहले इसको हम मानेंगे, यानी माना कि साइन इनवर्स इनटू रूट अंडर 3/2 बराबर थीटा मानेंगे। ये जो साइन इनवर्स जो है इक्वल के राइट साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा आपका रूट अंडर 3/2 बराबर हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। और ये जो होता है यानी साइन में ये कितना डिग्री का वैल्यू जो होता है रूट अंडर 3/2 होता है, यानी हम जानते हैं कि साइन में रूट अंडर 3/2 जो होता है वह 60 डिग्री की वैल्यू होती है, यानी साइन पाई बाय 3 इक्वल साइन थीटा, क्योंकि पाई का वैल्यू जो यहां पर होगा 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री में 3 से डिवाइड करेंगे यानी 180 में 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 60 डिग्री आ जाएगा, यानी इसको हम रेडियन लिख दिया। और ये जो होगा यानी आप ये 60 डिग्री ऐसा लिखिए या ऐसा लिखिए, दोनों बात आपका बराबर हुआ। तो चलते हैं, यानी ये जो है साइन से साइन कट जाएगा, ये बच जाएगा पाई बाय 3 बराबर थीटा हो जाएगा, यानी ये आपका थीटा बराबर हो जाएगा पाई बाय 3 हो जाएगा, यानी ये जो है इसकी जो रेंज जो है यानी माइनस पाई बाय 2 से लेकर पाई बाय 2 के बीच जो होगा किसका, यानी इस साइन इनवर्स का। तो यहां पर देख रहे हैं कि यह जो है पाई बाय 3 जो है माइनस पाई बाय 2 और पाई बाय 2 के बीच है। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया? क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है टैन इनवर्स इनटू माइनस 1 बटा रूट अंडर 3 दिया गया है। तो चलते हैं देखते हैं ये कैसा सॉल्व होगा। यह हो जाएगा, माना कि टैन इनवर्स माइनस 1 बटा रूट अंडर 3 बराबर थीटा हो जाएगा। ये टैन इनवर्स इक्वल के राइट साइड में जाएगा तो आपका टैन थीटा हो जाएगा, यानी बच जाएगा माइनस 1 बटा रूट अंडर 3 बराबर ये टैन थीटा हो जाएगा। ये जो होता है टैन में 1 बटा रूट अंडर 3 का वैल्यू कितनी होती है, तो ये टैन में 1 बटा रूट 3 जो होती है 30 डिग्री की वैल्यू होती है, यानी आपका ये हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस टैन इनटू
π/6, क्योंकि 180 में 6 से डिवाइड करेंगे तो आपका 30 डिग्री आ जाएगा, बराबर हो जाएगा ये आपका tan थीटा, tan से tan कट जाएगा, यानी आपका ये बच जाएगा माइनस π/6 बराबर थीटा, यानी जो थीटा की वैल्यू निकल के आई माइनस π/6। तो यहाँ पर जो देख रहे हैं जो ये tan इनवर्स जो फंक्शन जो है इसका जो रेंज जो हुआ माइनस π/2 और π/2 के बीच में, यानी ये माइनस 90 डिग्री से लेकर और 90 डिग्री यानी प्लस इन पॉजिटिव में ये होगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि माइनस 30 जो डिग्री जो हुआ इन दोनों के बीच में यह है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपका दिया गया है कि cot इनवर्स इनटू माइनस रूट अंडर 3, वैसा ही पिछले की तरह बनाएंगे। तो चलते हैं मानते हैं इसको, पहले माना कि cot इनवर्स माइनस रूट अंडर 3 बराबर थीटा, यह हो जाएगा आपका माइनस रूट अंडर 3 बराबर हो जाएगा आपका cot थीटा। क्यों? क्योंकि cot इनवर्स जो है इक्वल के राइट साइड में जाएगा तो ये cot थीटा हो जाएगा, और cot थीटा में यह जो होता है यह cot थीटा में रूट अंडर 3 जो होता है यह कितनी की वैल्यू होती है, यानी यह जो वैल्यू जो होती है आपका अब यानी 30 डिग्री की होती है, यह हो जाएगा आपका माइनस cot π/6 बराबर cot थीटा हो जाएगा। चूंकि एक बात और जानते हैं कि माइनस cot थीटा कब होता है, यानी आपका यह होता है cot 180 माइनस थीटा बराबर होता है माइनस यह cot थीटा होता है, यानी इसको इस फॉर्म में तोड़ेंगे यह हो जाएगा आपका cot, अब इसको हम सॉल्यूशन करेंगे तो 6 पाई में से पाई घटेगा तो 5 पाई बाय ये 6 बराबर हो जाएगा ये cot थीटा, cot से cot कट जाएगा, अब आपका आ जाएगा थीटा बराबर हो जाएगा 5π/6, यह हुआ आपका राइट आंसर। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर ये 4 है, cot इनवर्स इनटू cot 5π/4। तो चलते हैं इसको भी हम हल करते हैं, यह जो है इसको भी हम हल करते हैं, यानी यह हो जाएगा आपका फिर वैसे ही माने माना कि cot इनवर्स cot 5π/4 बराबर थीटा मान लेंगे, cot इनवर्स इक्वल के राइट साइड में जाएगा तो cot थीटा हो जाएगा, यानी यह हो जाएगा cot 5π/4 इक्वल cot थीटा हो जाएगा, यानी यह जो होता है यह कब होता है, यह होता है cot 180 प्लस थीटा वाला क्या होता है cot थीटा, cot थीटा कब होता है यानी cot 180 प्लस थीटा जो होता है वह cot थीटा के बराबर होता है, यानी इस पर तोड़ लेंगे cot इनटू पाई प्लस पाई बाय 4, यानी 4 पाई एक यहाँ पे पाई है तो 5π/4 फिर आ जाएगा, यह हो जाएगा cot थीटा हो जाएगा, और cot इनटू 180 प्लस थीटा बराबर cot थीटा हो जाएगा, यानी cot π/4 बराबर यह हो जाएगा cot थीटा हो जाएगा, यानी cot से cot कट जाएगा, थीटा की जो वैल्यू होगी वह π/4 होगी। यानी यह जो है या इस चैप्टर जो है इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये चार ही जो होगा ये ट्री को बनेगा, एक बनेगा पाई माइनस थीटा या पाई प्लस थीटा या 2 पाई
मास थीटा या 2 पाई प्लस थीटा, ये चार जो है ये ट्रिक जो है इसके थ्रू जो होगा यह क्वेश्चन सॉल्व होगा, यानी इस पर ही सब ये टूटेगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, यानी क्वेश्चन नंबर 5 में आपका दिया गया है कि टैन इनवर्स टैन 3π/4 इसको सॉल्व करते हैं, फिर मानते हैं इसको। माना कि टैन इनवर्स इंटू टैन 3π/4 बराबर थीटा मान लेंगे। ये जो है टैन इनवर्स इक्वल के राइट साइड में जाएगा, ये हो जाएगा टैन थीटा हो जाएगा, यानी टैन 3π/4 इक्वल ये हो जाएगा टैन थीटा हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि टैन 180 प्लस थीटा बराबर होता है, ये आपका टैन थीटा होता है, यानी ये थर्ड क्वाड्रेंट में ये जो होता है ये प्लस में होता है, यानी आपका ये हो जाएगा, यानी तोड़ते हैं इसको, ये 3π कब आएगा, या ये टैन माइनस में भी होता है और प्लस में भी होता है। यहाँ पर टैन 180 माइनस थीटा बराबर माइनस टैन थीटा होता है, यानी इसको हम तोड़ेंगे ऐसे टैन पाई माइनस 3π/4 बराबर ये होगा टैन थीटा होगा, क्योंकि यहां पर टैन 180 माइनस थीटा बराबर ये होता है माइनस टैन थीटा होता है। यहां पर ये हो जाएगा आपका माइनस सर छूट जाएगा। देख लेते हैं क्वेश्चन, मिला लेते हैं क्वेश्चन सही है, यानी ये हो जाएगा 4π में से, और 4π में से सॉरी यहां पर 3 ही होता, 4π में से और पाई घटेगा तो यहां पर 3π/4 आपका फिर आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका टैन माइनस π/4 बराबर टैन थीटा हो जाएगा, क्योंकि टैन 180 माइनस थीटा बराबर होता है माइनस टैन थीटा होता है, तो ये टैन से टैन कट जाएगा और थीटा की जो वैल्यू आएगी माइनस π/4 आएगी, यह होगा आपका राइट आंसर। तो चलते हैं फिर अगले वीडियो में, फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।